आदरणीय नेताजी हम सबके सरपरस्त आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मंच पर आ रहे हैं। नारा लगाओ, नारा लगाओ। धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, कृष यादव मुलायम सिंह यादव, अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, कृष यादव मुलायम सिंह यादव। इधर से दरवाजा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभापति जी और प्रोफेसर राहुपा जी और जिन्होंने ये कार्यक्रम बनाने का किया है वो सबके साथ आखिर इसने प्रयास किया, उनके साथियों ने प्रयास किया और उसी का कारण है काज बरसात के दिनों में भी इतनी भीड़ आई है कि ये कहीं मैदान में नहीं, मैदान छोटा पड़ गया। इसलिए आप सबका अरे अरे इसलिए मैं सबका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देते हैं कि बरसात का मौसम होते हुए इतनी बड़ी तादाद में आए। एक गलती आप करते बहुत बड़ी, लड़कियां थोड़ी आई थी, उन्हें एक को आगे नहीं आने दिया। ये गलत है कि नहीं? एक दो लड़की हैं, उधर भी दो चार लड़की थी, वो नहीं आने दी। ये शिष्टाचार नहीं, महिलाओं को विशेष अवसर दिया या ये समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है? समाजवादी पार्टी का ये पूरा का पूरा इतिहास है। अब आपसे हम नौजवानों, आपसे ही अब आशा है कि जिस प्रकार के आज पूरे देश में भ्रष्टाचार पूरा का पूरा छाया है, आज जितने सत्ता में चाहे दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में हो, पूरे उनके कार्यकर्ता और नेता भ्रष्टाचार में जुटे हैं, पैसा कमाने में जुटे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये हालत है। इन परिस्थितियों में आप संघर्ष कर रहे बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि इन सारी परिस्थितियों में नौजवान हमारा संघर्ष कर रहा है और उसी का परिणाम है इतनी बड़ी तादाद में नौजवान आए हैं। और नौजवानों से कहना चाहते हैं कि आप अपनी छवि अच्छी बनाइए, जनता के भी जो दुखी हैं बीमार हैं उनकी सेवा कीजिए। और जनता जो ये सोचेंगे कि ये देखिए गरीबों का, बीमारों का और सारे कमजोर लोग हैं, इनकी मदद समाजवादी कार्यकर्ता नौजवान कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी मजबूत होगी और आपको नेता मान लेंगे। इसे कोई ऐसा काम मत करना जो आप पे आरोप रख सके, कोई ऐसा किसी तरह का भाषा भी आपकी हो, मधुर भाषा भी हो और आप अपनी बात पूरी कीजिए। आज मामूली बात नहीं, इतने तादाद में नौजवान आए हैं,
तो हमने समझ लिया, मेरे जो इच्छा रहती थी कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी न होने पाए, तो आज समाजवादी पार्टी नहीं बूढ़ी हो पाएगी। नौजवानों की तादाद है, पूरा का पूरा नौजवान है। इसे नौजवानों, आपको हम स्वागत करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि आगे चल करके आप सम्मानित नेता बने और ये समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने से हमारा देश मजबूत होगा, हमारा किसान मजबूत होगा, हमारा गरीब मजबूत होगा। जो आज हमारे 2 करोड़ तो लोग रोजगार हैं, बेरोजगार हैं, जिन्हें उनको कोई नौकरी कोई रोजगार नहीं मिला है, ये मामूली बात नहीं। आपको याद है मैंने लोकसभा में प्रधानमंत्री से कहा था कि आप कह रहे थे हम सबको काम देंगे और जिनको काम नहीं मिले उन्हें 15 लाख रुपया देंगे। तो मैंने कहा मानना तुम 15 लाख नहीं दे सकते हो, तो 3-3 लाख दे दो प्रशासन में, 15 लाख हो जाएंगे। लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया। तो मैंने कहा आपने झूठ बोलकर जनता को ठग करके सरकार बना ली, आपने पढ़ा होगा। इसलिए आप कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की कसे करने में भेद नहीं है। समाजवादी पार्टी जो कहती है आज सरकार में आएंगे तो वही काम करेंगे जो अभी कह रहे हैं। और आपने देख भी लिया है कि समाजवादी पार्टी में जब सरकार बनी थी तो अकेले यूपी से 6 लाख लोगों को काम दिया था, नौकरी भी दी थी, सचिवालय में लगाए और उनको जो नहीं दे पाए थे उनको बेरोजगारी भत्ता दिया, आपको याद होगा। और हमारी जो लड़कियां थीं कन्याएं थीं उनको सबको नौकरी देने का कोशिश की, और जिनको नौकरी नहीं मिल पाई तो उनको काफ़ी पैसा मदद की, ये मदद की। और नाम आपने देखा था कि लड़की कितनी गरीब थी लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही थी पार्टी का। जब वहाँ हम गए तो वही सब लोगों को इकट्ठा किया एक बाग में और हमारी सभा कराई थी, तब मैंने उस लड़की की मदद की। और सब उन्नाव के लोगों ने फिर कहा अब हम पूरी मदद करेंगे, मदद की। आज वो लड़की पढ़ लिख करके आगे निकल गई और उसने कहा 7-2 साल में हम समाजवादी पार्टी का ही काम करेंगे। ये आप समझ लीजिए। इसलिए हम आपके बहुत खुश हैं कि हमारे नौजवान आए हैं। हमेशा हम कहते थे कि हमारी पार्टी बूढ़ी नहीं होगी, आज हमने नौजवानों को देख लिया कहाँ तक हैं नौजवान। तो ये नौजवान हमारी पार्टी बूढ़ी नहीं होगी, हमारी पार्टी जवान रहेगी, इन जवानों के हाथ में होगी, इन बेटियों के हाथ में होगी। बेटी अकेली मत आया कर, 10 लड़कियों को लेके आया कर, लाएगी आगे चल के। लड़की दे अकेली मत आया कर, 10 लड़कियों को लेकर आया करो कम, ये तय कर लो दोनों मिलकर कि अब जब भी आएंगे तो कम से कम 10 लड़कियों को लेकर आएंगे, तो हमारी पार्टी मजबूत करेगी। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि आज लड़कियों की तादाद बहुत कम है, अब 2-4 आई उन्हें धक्का मुक्की कर रहे बीच में खड़ा किया, बताओ वो भी बीच में खड़ी और वो भी बीच में खड़ी, आगे आना चाहिए, आगे लाना चाहिए। लेकिन बता दीजिए तुम लड़कियों को पीछे खड़ा करोगे, धक्का मुक्की जहाँ होती वहाँ लड़कियाँ रहेंगी। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं नौजवानों, बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, ये बड़ी तादाद में सारे लोगों ने तय किया कि सरकार बनाएंगे तो सरकार बन जाएगी। आज हमको वादा करके जाओ चाहे कुछ भी करना पड़े कि सरकार बनाएंगे, यूपी में तो बनाएंगे, यूपी के बाद को लोकसभा के मेंबर ज़्यादा जिताएंगे,
जिससे हम भी हमारी पार्टी का हिस्सा हो जाए। सरकार में दिल्ली में भी पहले दिल्ली में हिस्सा हुआ था, उसी तरह से आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ कि चुनाव जिताना है, एमएलए का भी जिताना है, लोकसभा के मेंबर को भी जिताना है, ये संकल्प और प्रतिज्ञा करके जाना और महिलाओं को ज़्यादा खड़ा करना, महिलाओं को भी खड़ा करना। बताओ, हाथ उठा के बताओ, अपने अपने जिले में एक एक दो दो लड़की को पार्टी के पदाधिकारी बनाइए, चुनाव भी लड़ाइए और एमएलसी बनवा लीजिए, एमएलए बना लीजिए। मैं कहूँगा जो नेताओं से अखिलेश सब से सभी अध्यक्षों को और नेताओं को बुला के बात कीजिए, चाहे कुछ भी हो, हर कमेटी में महिला हो, हर ब्लॉक में महिला बीडीसी की मेंबर हो, सब जगह जिला परिषद की मेंबर हो, तब ये जब लड़कियां आगे निकलेंगी फिर पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत बनेगी। महिलाओं की तादाद भी 47% है, पुरुषों की तादाद 53% है, महिलाओं की तादाद 47% है। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप सबको लेके चलें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और बेदाग रहें, कोई किसी तरह का आरोप न हो। लेकिन एक ही बात कमी है, आज लड़कियां और महिलाएं कम आई कार्यक्रम में, ये अच्छी बात नहीं है, आना चाहिए था, तुम लाना चाहिए थे कि लड़कियां हैं तो लड़कियों को एक दो दो लेके आना चाहिए था, अकेली क्यों आई, लेके आना चाहिए थे। इसलिए हम आपसे कहेंगे लड़कियों से आगे चल के लेके आना और बहुत जल्दी सम्मेलन कहीं बुलाएंगे, हम कहेंगे अखिलेश भी और पार्टी के नेताओं से कि एक सम्मेलन और कर लेना जिसमें लड़कियों को जिम्मेदारी दे रहे कि लड़कियां भी आएंगी और ये हमारे नौजवान हैं वो भी लड़कियों को लाएंगे, महिलाओं को लाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत है, आपको धन्यवाद है, आपकी भविष्य की कामना करता हूँ कि आगे चल के आप नेता निकलें, ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी इच्छा है कि हमारे लोग में से नेता निकलें। नेता निकलेंगे, कोई काम ऐसा मत करना, बेदाग रहना, नेता बन जाओगे, आप पे कोई आरोप न लगा सकें, ये संकल्प लेके जाना। इन्हीं शब्दों के साथ सभी बेटियों का और सभी नौजवानों का, सभी नेताओं का मैं स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे सरकार बनाएंगे सूबों में भी और दिल्ली में सरकार बने तो ऐसी ताकत दे दो जिससे आपके समर्थन के बिना न बने। ऐसा दो बार हो चुका है कि दिल्ली में भी समर्थन समाजवादी पार्टी दिया तब सरकार बनी, इसलिए कोशिश करना और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताना और सभापति पदाधिकारी मिल के रहें और हर महीना जिला कमेटी की बैठक और स्टेट कमेटी की बैठक बुला करके सारे मुद्दों पर बात करना। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत।